की टीम पहुंची है सोनीपत मुरथल में, वो आप जानते हैं गांव वालों से क्या माहौल चल रहा है। माहौल ठीक चल रहा है। मोहनलाल जी यहाँ प्रत्याशी है गांव की तरफ से, तो मोहनलाल की तरफ से 70% वोटिंग है, 30% कांग्रेस का भी है, लेकिन जो ब्रह्मचारी आया ना उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे एरिए में जो सबसे मेन पॉइंट है वो मोदी फैक्टर है, क्योंकि लोग राजा बनाना चाहते हैं ना कि एक खाली एमपी, ब्रह्मचारी को एक एमपी बना जाएगा वो आगे कोई काम नहीं करेगा, इसलिए एमपी को नहीं बना रहे, हम एक प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। कांग्रेस की लीड में आज के दिन राजीव का जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। लोग ये सोचते हैं, बैठते हैं आपस में बातें करते हैं, तो ये कहते हैं एमपी तो बना दें ब्रह्मचारी को, लेकिन आगे कौन बनेगा? मोहन को एमपी नहीं बना रहे हम, मोदी को प्रधानमंत्री। लोगों की भावनाएं है ना, जब हम बैठ के बातें करते हैं आपस में डिस्कस करते हैं कि भी ब्रह्मचारी को वोट क्यों दी जाए, कि ब्रह्मचारी एक एमपी बनेगा खाली, मोहन को वोट देंगे तो हमने प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है, राहुल को लोग प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते, यही मेन फैक्टर है कि मोदी को वोट मिल रही है। अगर मोहन का और ब्रह्मचारी का कंपटीशन नहीं देखते हम कहीं भी, लोग मोदी का कंपटीशन देख रहे हैं कि मोदी के अपोजिट में कौन आ गया। अगर हम मोहन को हराएंगे तो मोदी की एक सीट कम हो जाएगी, और हम मोहन को जिताएंगे तो मोदी की एक सीट बढ़ जाएगी। बीजेपी का जो मेन पॉइंट है मोदी के साथ चल रहा हुआ है, न मोहन है उसमें, न ब्रह्मचारी का कोई भी आपस में कोई टक्कर नहीं है। लोगों की भावनाएं हैं मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की, क्योंकि मोदी ने जनहित में जो फैसले लिए हैं आज तक कांग्रेस ने नहीं लिए। आज भी आप पिछला इतिहास उठा के देखोगे, कभी भी हमारे सनातन धर्म के प्रति कांग्रेस ने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि मोदी और योगी हिंदुत्व के प्रति इतने कट्टर हैं जो कि हर सभा में हमारे बारे में बोलते हैं, वो आज भी मुस्लिम के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं राहुल गांधी। आप उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो जिसने प्रधानमंत्री की गरिमा का ही नहीं पता, मनमोहन सिंह के हाथ से प्रतिया लेके फाड़ दी थी संसद में, और राहुल गांधी है क्या? लोगों को पता नहीं क्या पढ़ी लिखी जनसंख्या हो रही है देश में? नौजवान पढ़ा लिखा है सब समझते हैं, हमारे बुजुर्ग जो नहीं समझते हैं उनको समझाते हैं कि आप कहाँ वोट डालोगे, कांग्रेस को वोट दे दें, लेकिन कांग्रेस के पीछे देखो किसको देंगे। कांग्रेस को वोट देने का मतलब एक अपनी वोट को खराब करना है। राहुल गांधी ने हमेशा ही दुष्प्रचार किया है, संसद में अपनी बहन के साथ, पब्लिक में बहन के साथ वो बर्ताव करता जो कि एक सामाजिक दृष्टि से भी ऐसे नहीं है। लोगों की तरफ वो संसद में प्रधानमंत्री की तरफ आंख मारता है, क्या है वो प्रधानमंत्री? उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे हम? कहीं तो आप लेके चलो प्रधानमंत्री की सोच के ऊपर तो वोट दे के चलो। मोहन के प्रति वोट नहीं दे रहे हम वोट दे रहे मोदी के प्रति, इसलिए ब्रह्मचारी का और मोहन का कोई कंपटीशन नहीं करते, हम मोदी के प्रति वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, इसलिए ही मोहनलाल जीत रहे हैं यहाँ से। ब्रह्मचारी जी की रैली तो सभी की हो जाती है जी, लेकिन वोट पड़ेंगे ना उसको वोट में तब्दील करना। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।